की तरह नहीं, एक प्रतियोगी की तरह लड़ोगे। ओ हाँ, मैं तुमसे लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद है ये बारिश कोई बुरा साइन ना हो। मिल गए। पता था तुम यही करने वाले हो। जितनी उम्मीद थी उसे काफी अच्छा कर रहा है। हाँ, मैं भी कहूँगा। ओके, अब और क्या है तुम्हारे पास? कुछ सेकंड रुको और खुद ही देख लो। बाल बाल बचा, ये तुमने कैसे किया? याद है जब मैं डिस्ट्रक्टिव डिस्क लॉन्च कर रहा था तो वो सारे मैंने तुम्हारी तरफ नहीं फेंके। तो तीन मेरा ध्यान बटा रहे थे और एक गड्ढा खोद रहा था, वो भी बड़ी आसानी से। भले इसे पावर का टूर्नामेंट कहा जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ दिमाग भी उतना ही जरूरी है। सही कह रहे हो, बिना सोचे समझे हमला करने पर दूसरे फाइटर तुम्हें आसानी से हरा देंगे। एक और सोलर फ्लेयर। ओह, तो ये सुपर सैयन ब्लू है। मैंने गोकू को पहले भी ब्लू होते देखा है, पर गोकू के ओपोनेंट के तौर पर कभी इसे पसंद नहीं किया। अभी इसने अटैक भी नहीं किया, मेरे पसीने छूट रहे हैं। यहाँ तो दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। उम्मीद है इसके लिए क्रिलिन के पास कुछ होगा। नहीं, कुछ नहीं है। उस पावर के साथ आमने सामने वो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन टूर्नामेंट तो ऐसा नहीं है ना? तुमने कहा कि वो एक रॉयल बैटल है। हे गोकू, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी दोस्त। क्रिलिन, तुम ठीक तो हो? बहुत मजेदार था, मैं अब तक कांप रहा हूँ। अरे तुमने ये क्यों किया? फाइट को क्यों रोक दिया? मैंने नहीं रोका। मैंने तुम्हें बैकअप दिया जिसकी तुम्हें जरूरत थी। तुम्हारी मॉम क्या कर रही है? हे गोकू, हमने इस फाइट के रूल्स के बारे में बात की है और रूल्स है कि आप अपने ओपोनेंट की रॉ पावर से जान नहीं ले सकते। लेकिन इसका दूसरा बहुत जरूरी पहलू भी है,
रॉयल बैटल में अकेले लड़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो 18? अगर तुम मुसीबत में हो तो हम दोनों साथ में लड़ेंगे टीम की तरह। हम कुछ भयानक कॉम्बो चाले चल सकते हैं। तो चलो करते हैं अब। अगर बराबरी की फाइट करनी है तो गोहन